नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राजस्थान लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते बताते चले कि राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर सीएम का विदेश दौरा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज दक्षिण कोरिया में दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज कई विदेशी इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे, वैश्विक कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। भजन लाल शर्मा दक्षिण कोरिया से जापान भी जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, ऑटोमेटिव, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सीएम ने मुलाकात की है और आज इस क्रम को और बढ़ाते हुए दक्षिण कोरिया में दूसरा दिन व्यतीत करेंगे। ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि वो राजस्थान में आकर, भारत में आकर वो इन्वेस्ट करें, ताकि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है उसको और सुचारू किया जा सके, संबंध को बढ़ावा दिया जा सके। चाहे वो फिर हम शिक्षा की बात करें, संस्कृति की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सब को और मजबूत करने के धार में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज विदेश दौरा। दक्षिण कोरिया में दूसरा दिन, जापान भी जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है सीएम का। और चलिए अब बात सिरोही से बड़ी खबर की, जहां राडेश्वर हाईवे के ट्रेलर पर चट्टाने गिरी हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते चट्टाने गिरी हैं। चट्टाने गिरने के वक्त कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। देर रात से बारिश का असर पहाड़ों पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चट्टाने गिरने के बाद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं लिया। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह झमाझम बारिश के बाद उसका सीधा असर पहाड़ों पर पड़ा और पहाड़ों से टूटता हुआ ये पत्थर बड़े बड़े सीधे रोड पर, हाईवेज पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो भयावह दिख रही हैं, जो मंजर आपको दिख रहा है, लेकिन हादसा कोई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय कोई गाड़ी, कोई पैसेंजर, कोई यात्री उस सड़क से गुजर नहीं रहा था। अगर कोई गुजर रहा होता तो इसके नीचे दब के आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उस शख्स की या गाड़ी की या वाहन की क्या होती। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो बारिश का असर पहाड़ों पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो आए दिन मुसीबत का आफत और मुसीबत बन पड़ता है, उसके बाद भी प्रशासन क्यों कोई सुध नहीं ले रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सिरोही से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे। और अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की भी, जहां नांदेड़ शर्मा के ब्राह्मणों की भागल गांव में पैंथर दिखा है। झाड़ियों से निकलकर सड़क पर टहलता हुआ नजर आया पैंथर। कार सवार एक राहगीर ने इसका वीडियो बनाया। लगातार दो दिनों से सड़कों पर पैंथर नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। सड़कों पर पैंथर जो नजर आया उसका एक वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह नजर आ रहा है। तो पैंथर के मूवमेंट से उदयपुर में और सड़क पर टहलता हुआ नजर आया। ये भी आपको बता दें कि दो दिन से इस पैंथर के मूवमेंट को ग्रामीणों के द्वारा कैप्चर किया जा रहा है, यानी कि इसको नोटिस किया जा रहा है। वन विभाग को सूचित हालांकि कर दिया गया है कि वन विभाग इस पर जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकती है। फिलहाल सड़क पर टहलता हुआ नजर आया पैंथर, जिसका वीडियो भी बनाया गया एक शख्स के द्वारा, जो गाड़ी के अंदर से पैंथर जो सड़क पर टहलता, घूमता, अपने आप को इंटरटेन करता हुआ जो नजर आ रहा है उसका वीडियो एक शख्स के द्वारा बनाया गया है। और इसकी जो खबर है, इसकी जो सूचना है, वो सीधे ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दे दी गई है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए कोटा लेकर चलते हैं। कोटा के खैराबाद में देर रात चाकूबाजी की वारदात में एक युवक घायल हो गया। बदमाशों ने युवक पर पीछे से चाकू से हमला किया, जिससे युवक के शरीर पर तीन जगह गहरे घाव हुए हैं। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान पर रेलिंग से बाइक अंदर चढ़ाते समय ये युवक पर हमला किया गया। बदमाश पीछे से आया और चाकू निकालकर हमला कर दिया। पीड़ित ने यह भी बताया कि कैसे उसके साथ क्या क्या वारदातें घटी हैं। पुलिस को नामजद रिपोर्ट भी दी। वहीं मामले में फरार बदमाश की तलाश भी अब तेज की जा चुकी है। तो उन्हें पीछे जाते हुए चाकू मारा। कितने चाकू लगे आपके? दो तीन चाकू मारे। अच्छा, कोई उससे पुराना कोई विवाद, कोई रंजिश? पुराना कोई रंजिश नहीं। मेरे मेरे ग्रेम पे गाड़ी थी, उसके पता नहीं क्या जमा। क्या नाम था लड़के का? अल्पेज। अल्पेज मेरे मोहल्ले का है। पीछे उसकी माँ का नाम हसीना, उसके बाप को जानता नहीं मैं। उसका मामा मेरा दोस्त है। मैंने कहा भी उससे कि क्या कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। चाकू मार दिया।
और चलिए अब बात अजमेर से बड़ी खबर की, जहां मालगाड़ी को डिलेयर करने की कोशिश की गई है। 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक लगाकर इसको रोकने की कोशिश की गई। सराधना बांगर ग्राम ने के पास ये सीमेंट के ब्लॉक रखे गए हैं। रेलवे कर्मचारियों ने मांगियावास थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। डीएफएससी लाइन पर दो जगह सीमेंट ब्लॉक रखे गए। फुलेरा अहमदाबाद मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए निकली है। 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले। गनीमत यह रही कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। मांगियावास थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीमेंट के ब्लॉक्स की तस्वीरें आपको इस समय अजमेर से दिखाई पड़ रही हैं। अजमेर में मालगाड़ी को डिलीवर करने की किस तरह से कोशिश यहां पे की गई। 1 किलोमीटर तक सीमेंट के ब्लॉक्स रखे गए रेलवे ट्रैक पर। गनीमत इसमें यही रही कि उसको तोड़ते हुए जो मालगाड़ी है वो निकल गई, लेकिन अगर ट्रैक से इधर उधर या कुछ भी वहां पर घटना घटित हो सकती थी। मांगलियावास जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में अब सख्ती से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और अब सीधे खबर बारिश से जुड़ी हुई बताते चले, क्योंकि प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें कोटा है, उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। और इन संभागों को जोड़ते हुए 29 जिलों में आज येलो अलर्ट मौसम विभाग से जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते तेज बारिश होगी। बारिश का दौर 14 से 15 सितंबर तक जारी रह सकता है। अधिकांश जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और इसीलिए इसको देखते हुए ही 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 14 से 15 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, उसके बाद हो सकता है कि मॉनसून थोड़ा और थमे। बताते चले कि अब जो फ्लड मैप है भारत का, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जो कभी उत्तर प्रदेश या इन राज्यों में भारी बारिश होती थी, अब वो शिफ्ट होके सीधे रेगिस्तान जैसे राज्यों में, यानी कि राजस्थान में, यहाँ भारी बारिश हो रही है। और इसका मेन रीजन यही है कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम सक्रिय हुआ है, उसका सीधा असर राजस्थान में लगातार देखने को मिल रहा है। और अजमेर में भारी बारिश का दौर जारी है। अजमेर में जलभराव को 6 दिन हो गए हैं। अना सागर, फाय सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। माने नदी और स्कैप चैनल के पास 6 दिन से बाढ़ जैसे हालात हैं। शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, पुष्कर रोड, गौरप्पा, डिफेंस कॉलोनी, राज कॉलोनी, मोती विहार, जेएलएन हॉस्पिटल, पालविचल, नगरा, आम का तालाब, शक्ति नगर, खानपुरा में जल भराव से हालात खराब है। इन कॉलोनियों में करीब 2 घंटे तक 2 फीट तक पानी भरा हुआ, जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे एक मरीज को कुछ लोग उस पानी के बीच में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन लोगों तक राहत पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। लोग प्रशासन से जल भराव की समस्या से राहत दिलाने की मांग कर रहे हैं। और इधर प्रतापगढ़ जिले को बारिश के लिए प्रदेश का चेरा पूंजी माना जाता है। यहां की औसत बारिश लगभग 1000 mm है। जिले में अभी हाल ही में हुई बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जान जोखिम में डाल लोग कर रहे रास्ता पार, कहाँ हो, कुछ तो करो सरकार। शिलान्यास के बाद क्यों छोड़ दी पुलिया अधूरी, जरा हम बेबसों की भी तो समझो मजबूरी। गुहार पर गौर कर, बहते पानी के बीच रास्ता पार करते लोगों की तस्वीरें आपको भले ही नहीं परेशान करती हूँ, लेकिन जरा सोच कर देखिए, पानी के जिस प्रवाह के आगे अच्छे अच्छे के पांव उखड़ जाते हैं, वहाँ सामान्य ग्रामीणों की भला बिसाथी क्या। जैसे उतर रहे हम लोग, बहुत जान का खतरा डाल के फिर उतर रहे, पूरा पुलिया टूट चुका है और पब्लिक जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बिचारे खड़ा रह के वापिस, कोई घर जा रहा, कोई वापिस अंदर पड़ के जा रहा है। ये बिल्कुल टूट चुका है, यानी कि इस पुलिया का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तस्वीरें प्रतापगढ़ की है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। कई जगह पुलियाओं पर पानी बह रहा,
एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट चुका है। हालात यहां है कि ग्रामीणों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, इसलिए लोग जान हथेली पर रखकर पुलिया पार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब जाखम नदी पर 180 मीटर लंबी पुलिया का शिलान्यास एक साल पहले ही हो गया है। हमारे ग्राम पंचायत अंबा में इस तरह के हालत बने हुए हैं पुलिया के, यहाँ से उतरने के लोग अपनी जान जोखिम में डाल के नदी को पार कर रहे हैं। और कहीं किसी को जाना हो मुंगाना पाछोड़ा जाना हो नदी, यहाँ से घूम के दरियावाद तक जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पुलिया का पहले से उधर हो चुका है, अभी तक बना नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अंबाव गांव से पारसोला की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर, लेकिन पुलिया पर पानी बहने की स्थिति में उन्हें 40 किलोमीटर का सफर तय कर पारसोला पहुंचना पड़ता है। कई बार पुलिया पर पानी ज्यादा होने की वजह से लोगों को घंटों बैठकर पानी उतरने का इंतजार भी करना पड़ता है। जाखम नदी के पुल आए दिनों से मतलब सोमवार के टाइम में 4 महीने से ये पुल बंद रहता है, और डिलीवरी बीमार होने के टाइम लोगों को काफी परेशानियां देखनी पड़ रही है। और साल भर पहले इसका शिलान्यास हो चुका है नंगराजी विधायक के टाइम से, और आज तक इसकी कोई पुल की बनाने की कोई ये नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में ग्रामीणों को इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन सिर्फ चेतावनी जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाज की रिपोर्ट। और इधर रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में कल शाम को एक बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल यहां जहां पर कैंटर में भरकर पर्यटक रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण हेतु गए थे, लेकिन तभी अचानक से बरसात तेज हो गई। लौटते वक्त जोन नंबर 6 के एक बरसाती नाले में एक पर्यटकों से भरा अंदर फंस गया। हालांकि वन कर्मचारियों की सूझबूझ से सभी पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाला गया। अन्य कैंटर की सहायता से रणथंभौर नेशनल पार्क से बाहर भिजवाया गया, लेकिन नाले में फंसे हुए कैंटर को वन कर्मचारी और ड्राइवर तथा चालक निकाल नहीं सके। ऐसे में कैंटर पूरी रात भर नाले में ही फंसा रहा। कैंटर पर लगभग 6 फीट पानी चल रहा। अभी भी कैंटर को निकालने की कोशिश वहां पर की जाएगी, फिलहाल अभी वो फंसा हुआ है। पानियों के बीच में किस तरह से कैंटर फंसा हुआ है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रणथंभौर से ये सीधी खबर। तो किस तरह नाले के बीच में फंस गया है कैंटर, और ये भी देखिए कि पर्यटकों को तो निकाला गया, लेकिन फंसे हुए कैंटर को अभी तक नहीं निकाला गया है। भरसक इसको भी निकाला जाएगा। नाले में फंसे हुए कैंटर को वन कर्मचारी नहीं निकाले हैं, लेकिन बड़ा हादसा एक टल गया यहाँ पर। जोन नंबर 6 में ये कैंटर फंसा है नेशनल पार्क के। जिस समय ये जा रहा था यात्रियों को लेकर, उसी समय ये तेज नाले के बहाव में फंस गया। अब यहाँ पर जो बैठे यात्री थे उनको तो रेस्क्यू करके निकाल लिया गया, लेकिन कैंटर जो अभी फंसा हुआ है तेज बहाव के बीच में, वो अभी तक वहां पर है, उसको बाहर नहीं निकाला गया है। तो ये बड़ी लापरवाही, और इसके लिए कौन जिम्मेदार? जब बारिश बार बार होती है, बार बार ये चेताया जाता है, चेतावनी दी जाती है, अपील की जाती है, न्यूज 18 राजस्थान भी अपील करता है कि तेज बहाव के बीच में ना सड़क पार करें, ना पुलिया पार करें, ना नाले के आसपास जाएं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे नहाने के लिए जाते हैं, खबर आती है डूब गए हैं। इस तरह से जो चालक है वो लापरवाही करते हैं, तमाम पर्यटकों की जान पर आफत भी आती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गिरिराज, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। गिरिराज, क्या है पूरा मामला और कैंटर कैसे जाके नाले में फंस गया? जी देखिए, सवाई माधोपुर में लगातार पिछले कुछ दिवस से भारी बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और जिसके चलते नदी नालों रपटों पर जबरदस्त तरीके से पानी आ रहा है, और जिसके चलते लगभग एक दर्जन से अधिक लोग मौत के शिकार भी हो चुके हैं। लगातार लोग तेज पानी के बीच में नालों में जाने से बाज नहीं आ रहे हैं, और परिणाम स्वरूप वे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कल शाम का एक पारी का एक बड़ा ही एक जो मामला है वो सामने आया, जहां पर चूंकि अभी जोन नंबर 1 से लेकर के 5 में रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी बंद है, लेकिन जोन नंबर 6 से लेकर 10 के बीच में सफारी शुरू है। ऐसी स्थिति में कल शाम को 6 बजे
कैंटर में भरकर जो पर्यटक है वो जंगल सफारी के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटने के दौरान जो बरसाती नाला है, तेज बरसात जंगल में हुई और उस बरसाती नाले में जबरदस्त रूप से पानी आ गया। जब कैंटर चालक ने उस नाले को पार करने की कोशिश की तो कैंटर बीच रास्ते में जाकर रुक गया। पानी लगातार बहुत तेज गति से आता रहा। ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल से सूझबूझ से पर्यटकों को कैंटर से उतारा गया और वन कर्मियों की सहायता से अन्य कैंटर में सवार होकर के और पर्यटकों को जंगल से बाहर भेजा गया। जंगल में लगातार बारिश चल रही है जिसके चलते एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लगभग 6 फीट तक कैंटर जो पानी, नाले का पानी है वो 6 फीट तक लगातार कैंटर पर आता रहा। ऐसी स्थिति में कैंटर को किसी भी सूरत में निकाला नहीं जा सका। अब आज कैंटर को निकाला जा सकेगा और जिसके चलते चूंकि बरसात लगातार जारी है, जंगल के अंदर जबरदस्त तरीके से पानी चल रहा है, ऐसी स्थिति में गिरिराज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पार। और अब बात जयपुर ग्रामीण की, जहां पर शाहपुरा में हाईवे स्थित सारण धर्म कांटे के पास सर्विस रोड पर लगे विद्युत पोल में अचानक आग लग गई। आग से विद्युत पोल धूं धूं कर जलने लगा। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया और विद्युत पोल में आग लग गई। ग्रामीणों ने नगर पालिका और विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीधे अब खबर कोटा जिले से है, जहां रिश्वत के एक मामले में चेचट तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल एसीबी की टीम तहसीलदार से पूछताछ कर सकती है, साथ ही तहसीलदार कार्यालय के तहसील कार्यालय के दस्तावेजों को भी खंगाल सकती है। कल एसीबी ने 5,000 की रिश्वत के साथ इमित संचालक हरीश मंडोत को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। परिवादी ने शिकायत की थी कि रजिस्ट्री करवाने की एवज में तहसीलदार चेचट के लिए आरोपी इमित संचालक 7,000 रुपए रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है और अब एसीबी आरोपी इमित संचालक को कोर्ट में पेश कर मामले की तह तक जाएगी। फाइन करवाने की एवज में ये जो ई मित्र संचालक है हरीश मंडोत, इसने जो है पहले 7,000 रुपये की डिमांड करी थी और 5,000 रुपये लेने को सहमत हुआ था, जिस पर सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई ई मित्र संचालक को तहसीलदार के लिए 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार ई मित्र संचालक से अब पूछताछ के दौरान कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। एसीबी की टीम अब जल्द ही तहसीलदार से पूछताछ कर सकती है और तहसील कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाल सकती है। बड़ा सवाल कि ई मित्र संचालक रजिस्ट्री के नाम पर और तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने के नाम पर क्यों और कैसे 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। हालांकि एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ई मित्र संचालक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिलहाल अब एसीबी की टीम द्वारा जल्दी तहसीलदार से भी पूछताछ की जा सकती है और माना जा रहा है कि इस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की तलवार भी अब लटकी हुई है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पदमपुर में 5 सितंबर को दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 4 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की और कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर स्थानीय लोगों ने पदमपुर थाने पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कहा कि लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, साथ ही स्थानीय वासियों से भी संदिग्धों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की अपील की गई ताकि जल्द से जल्द लुटेरे को पकड़ा जा सके। बिल्कुल, ये पदमपुर की पहली घटना है, डकैती की घटना, जो बड़ी गंभीर मसला है, मामला है। ऐसी घटना पे आज से पहले कभी नहीं हुई। जब से ये राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी है, 8 महीने 9 महीने से पूरे प्रदेश में आए दिन बलात्कार की, लूटपाट की और नशे की बहुत बढ़ गया है और सरकार पूरी तरह, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुका है। चलिए आपको बड़ी खबर बताते चले, जहां पर रुपिंदर सिंह विधायक करणपुर, संजीव चौहान सी
तो हुई है ये बात। लेकिन चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। 22 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 600 से ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे। साल 2004 से भारत और अमेरिका के बीच हर साल ये युद्धाभ्यास बारी बारी से आयोजित किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का आगाज 9 से 22 सितंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। तकरीबन 1200 से ज्यादा सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। एशिया के सबसे बड़े महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। दोनों देशों की सेना के जवान अपने अपने हथियारों की दक्षता को अलग अलग हालातों में परखेंगे और आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की आंतरिक क्षमता को बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर एक साथ काम करने की संभावनाओं को मजबूत करना है। एशिया की सबसे बड़ी महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में आज से भारत और यूएसए की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का शुभारंभ हो चुका है और आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे भारतीय सेना के वो जवान हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस है और अब अगले 14 दिन तक ये दोनों ही देशों की सेनाएं मिलकर यहाँ युद्धाभ्यास करेगी और दोनों एक दूसरे की टेक्निक को यहाँ सीखने का प्रयास करेगी। अलग अलग युद्धाभ्यास के आयोजन किए जाएंगे जिसके माध्यम से दोनों जो देश के सैनिक हैं वो अपनी अपनी तकनीक को साझा करेंगे और इसका उद्देश्य केवल मात्र यही है कि दोनों देश की सेनाएं अगर कहीं साथ में काम करती है तो उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे और उनके एक दूसरे के वेपन्स को वो समझ सके और उनके वेपन्स को ऑपरेट भी कर सके। पहली बार इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा जिसकी मारक क्षमता 310। और इन तमाम खबरों के साथ राजस्थान लाइव में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।